कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु भक्तों। हे प्रिय भक्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ, बड़ी ही पावन कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से इस कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन ही करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव जी साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली कि हे महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति वार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति वार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। वहां पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ, ताकि थोड़ा सा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? फिर रानी बोली, हे बहन,
तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो, देखो तो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो रखते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, कथा की और आरती की। अब पीला भोजन कहां से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बड़ी ही खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। हे प्रिय भक्तों, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर फिर दासी रानी से बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की यह बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बड़ा ही दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह राजा रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आए और बोले कि हे राजन, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और संपूर्ण कहानी अपनी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर
उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, अब तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हे प्रिय भक्तों, साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत भी कुछ बचा सकूं। रात को मैंने अपनी रानी को बहुत ही व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह जरूर बना देंगे। बृहस्पति वार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने जो बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में मुझसे पूछा है वह इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। साधु महाराज उसे कहानी सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी बड़ी ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माता ने उसे देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे ही दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाती तथा वापस लौटती पर जौ बीन कर लाती तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर जा रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर सो गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो वह भी कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। अपने पिता की ये सभी बातें सुनकर वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया।
कन्या के घर से जाते ही पहले की ही तरह उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल चाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल बता दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक बीत गया। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद करवा दिया। सुबह होते ही उसने अपनी माँ को वहां से निकाल दिया तथा स्नान आदि करवा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था तथा शहर में यह घोषणा करा रखी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए, सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन राजा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा जेल में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे तुझे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह बिल्कुल निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खुंटी पर हार देखकर
लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के पास ही पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी ज्यादा अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाए गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना पैसा कहां से आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो वह राजा को अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब कुछ, सारा धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने फिर निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद जो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंद ही रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे ही दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, उसके बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। इसलिए वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार भी हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा,
फिर सास ने कहा कि हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वही हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। नवे महीने में उसकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह भी बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई ने आने को कहा था तब तो तुम नहीं आई, अब कैसे आ गई? राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को वे पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विष विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर, सुनिश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा।
छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय।